वेल दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 पीएफ ट्रांसफर क्लेम रिजेक्शन। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको हम इसमें सब बताएंगे इन डिटेल में, और हम प्रैक्टिकल देखेंगे विद सॉल्यूशन एज वेल। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पेड कंसल्टेशन चार्जेस है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि क्लेम रिजेक्शन हम देखेंगे, जो कि पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम रिजेक्शन है। और जो सबसे पहले रीज़न आता है वो ये है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत से लोग परेशान होते हैं। इसमें यहाँ लिखा है कि कोई बैलेंस नहीं है। तो अभी की तारीख में पहले क्या होता था कि आपका ट्रांसफ़र इनिशिएट हो जाता था, लेकिन अब आपको एरर आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी पीएफ ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसमें भी देखिए ऐसे है कि आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड आया है। तो काफ़ी बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी में छोड़ दिए, रीजॉइन किए, पैसा वापस आया, या फिर कोई आपका पुराना था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र का केसेस था, ओके, और मैं आपको बताता हूँ केसेस बहुत कम लोग आपने सुना होगा कि आपने ट्रांसफ़र किया लेकिन जो नया पीएफ अकाउंट है वो आपके ट्रांसफ़र इन को रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ट्रांसफ़र इन रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है कुछ इशू के कारण, और पैसा वो फिर रिक्रेडिट हुआ। तो फिर जब आप ट्रांसफ़र करते हो, अगर सिस्टम अलाउ कर दिया, तो काफ़ी केसेस में ऐसा रिजेक्ट हो जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। और डिटेल में जानने के लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। अभी हम देखते हैं चौथा रिजेक्शन, डेट ऑफ जॉइनिंग आफ्टर ओके। इसके बारे में तो आपको पता होगा कि 1 सितंबर 2019 के बाद जिन्होंने भी कंपनी में ज्वाइन किया और उनकी अगर वेजेस 15,000 से ज़्यादा है, पेंशन में काट रहे हैं, तो मतलब गलत है। उसके लिए फॉर्म 3 और क्लैरिफिकेशन लेटर लेना होता है, और उसके बाद जाके फिर आपका इशू रिजॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। अब हम देखते हैं कि पांचवा क्लेम रिजेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। एक सेकेंड गाइज, ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ड्यू टू टेक्निकल क्लेम के नॉट बी प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बार जब आप क्लेम अप्लाई करते हैं हमेशा, ओके, तो एक पीडीएफ पीएफ ऑफिस के पास ओपन होती है, वो ओपन नहीं होती है। अगर कुछ करप्ट हो जाता है सिस्टम में कुछ इश्यू के कारण, तो वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे बल्क में क्लेम आते हैं। काइंडली आस्क बोमस आंध्रा पीएफ ऑफिस टू फॉरवर्ड ईपीएस एंड एक्सेल के। देखिए, ई पी एस एन एक्सेल के कब लगता है, क्या लगता है, मैंने बहुत सी वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन करना मतलब सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप नए हैं तो अच्छी बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ट्रस्ट से नॉन ट्रस्ट में ट्रांसफ़र किए, ओके, पीएफ हो गया, लेकिन आप जब नॉन ट्रांसफ़र से नॉन ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब सेकेंड से थर्ड में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सर्विस आपको ऐड कराना होगा थ्रू ई पी एस एन एक्सर के। इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू गेट ई पी एस एन एक्सर के, कॉन्टैक्ट अस। छठवा देखते हैं या सातवा, जो भी है, मैं तो 10 से ज़्यादा बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप। लास्ट मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन एन सी पी डेज, ओके। तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करना है, क्लैरिफिकेशन देना है, उसके बाद आपका सॉल्व होगा। ये आता है कि मेम्बर ज्वाइन सेम, ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू सेम विद द सेम रिमार्क्स, ओके। ट्रांसफर इन एज नॉन ई पी एस मेम्बर ओनली पी एफ रिसीव बट इन प्रेजेंट पी एफ अकाउंट लिमिटेड। ये इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाया, यू मे फाइंड आउट ऑन यूट्यूब चैनल, ओके। नॉट एन ई पी एस मेम्बर बट एम्प्लॉयर रिमिटेड, मतलब आप ई पी एस के मेम्बर नहीं है, फिर भी आपका एम्प्लॉयर ने रिमिट किया है, जमा किया, मतलब आप पी एफ के लिए एलिजिबल, ई पी एस के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट स्टिल द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटर, सो पी एफ ऑफिस वॉन्ट्स अ क्लैरिफिकेशन फॉर द सेम, कि आपको उन्होंने क्यों बनाया, ओके। लास्ट है ये, पी एफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट डिपॉजिटेड वायर एस ई पी एस सर्विस इज रिफ्लेक्टिंग, मतलब पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन ई पी एस के सर। ये जब रिजेक्शन आता था, रियली मैं लाफ करता हूँ कंपनी पे कि कैसे आपको ई पी एस का मेंबर बना रही बट पेंशन में पैसा नहीं जमा कर रही, होता है, ओके। वो ई सी आर भरते समय गलती हो जाती है। चलो आगे और भी बात कर लेते हैं, एक दो और एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, ओके। एलिजिबल फॉर ई पी एस मेम्बरशिप एज ही एड मेम्बर ऑफ प्रीवियस, पुरानी कंपनी में था तो आपने न्यू कंपनी में क्यों नहीं बनाया, एलिजिबल तो था ना, ही वॉज एलिजिबल, बनना तो चाहिए। ओवरलैपिंग का तो
several videos on you know service overlapping. You may find out on our YouTube channel. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. मैंने सब 10 के 10 का मतलब 11 से 12 बता दिया हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.